केदारनाथ यात्रा की तैयारी शुरू हो चुकी है। केदारनाथ धाम पहुंचे डीएम और एसपी और इन तमाम तैयारियों का निरीक्षण उनकी तरफ से किया गया। जोखिम भरे रास्तों से पैदल सफर कर केदार धाम पहुंचे। केदारनाथ धाम में व्यवस्थाओं का जायजा लेते नजर आए डीएम और एसपी। 19 किलोमीटर पैदल सफर कर केदारनाथ पहुंचे दोनों अफसर। रास्ते में बिछी 4 से 5 फीट बर्फ। तो अप्रैल महीने से बाबा केदारनाथ की यात्रा शुरू होने जा रही है और व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के लिए रुद्रप्रयाग प्रशासन ने कमर कस ली है। उसी को लेकर जिलाधिकारी और एसपी गौरीकुंड से 19 किलोमीटर पैदल सफर कर केदारनाथ पहुंचे। रास्ते पर 4 से 5 फीट बर्फ बिछी हुई है। बावजूद इसके डीएम और एसपी अपनी पूरी टीम के साथ व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए केदारनाथ पहुंचे। इसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को व्यवस्थाओं को लेकर दिशा निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग महोदय द्वारा ये सभी डिपार्टमेंट्स को जो मेन डिपार्टमेंट्स हैं उनको लेके एक सर्वे और एक की यात्रा सीजन के शुरुआत में करने के लिए ये ट्रैक किया गया और इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग थे और हमने रास्ते में हम देखते हुए आ रहे हैं। हम श्री केदार पहुँचे हैं कि क्या नुकसान हुए हैं और उनके फोटोग्राफ्स उनका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और नीचे जाके फिर सारे डिपार्टमेंट्स के साथ मीटिंग करी जाएगी। पुलिस के फ्रंट से क्या चैलेंजेस हैं वो हमने नोट कर लिए हैं। एसडीआरएफ की टीम भी हमारे साथ है और नीचे जाके फिर हम एक कंबाइंड मीटिंग करके कोशिश करेंगे कि यात्रा के लिए हम तैयारियां समय से जल्दी पूरी कर सकें। आज हम लोगों ने केदारनाथ धाम में जो बर्फबारी हुई है उसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ पूरा जायज़ा लिया है। कल हम लोग लिंचौली तक आए और आज केदारनाथ धाम पर पहुँचे हैं। तो अधिकतर हम लोगों ने देखा है कि जो पूरा ट्रैक रूट है उसमें 5 से 6 फीट तक बर्फ़ जमी हुई है। जहाँ पर ग्लेशियर पॉइंट्स हैं वहाँ पर बर्फ़ की मात्रा ज़्यादा हो सकती है और 15 से 20 फीट तक बर्फ़ भी हो सकती है। हम लोगों ने पूरा एनालिसिस किया है और देखा है कि बिजली के पोल भी लगभग 20 से 30 पोल पूरी तरह डैमेज हुए हैं। इस वर्ष स्ट्रक्चर्स जो जीएमबीएन के स्ट्रक्चर हों चाहे जो हमारे शौचालय हैं मेडिकल पॉइंट्स हैं उनमें अधिक नुकसान नहीं है और इसलिए हम लोग ये कोशिश करेंगे कि 20 फरवरी से बर्फ़ हटाने का कार्य शुरू हो।